अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो लास्ट वीडियो से आप लोगों को पता चल गया था कि हम लोग उमरे के लिए गए थे, तो हम लोगों की जो बहरीन से फ़्लाइट थी वो रियाद की थी, और फिर रियाद से फिर जद्दा, और फिर जद्दा से हम लोगों ने बस के थ्रू मक्का जाना था। तो अभी हम लोग बहरीन एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, और यहाँ से भी हम लोग बोर्डिंग वगैरह कराएंगे, और फिर हम लोग रियाद के लिए निकलेंगे। तो बस चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सीन है। बोर्डिंग वगैरह हमने करा ली, और अब हम लोग अपने प्लेन का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आता है तो फिर हम लोग निकलते हैं। रियाद एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, और उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट पे, और उसके बाद इंशाल्लाह मक्का पहुंच के हम लोगों का जो हम लोगों का ख्वाब है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रियाद एयरपोर्ट पे भी खैर हरियत से पहुंच गए थे, और मोहम्मद काबा ने एहराम पहना, और फिर हम लोगों ने उमरे की नियत के जो नवाफिल पढ़ने थे वो पढ़े, और बस अब हम लोग यहाँ से जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे भी पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ से हम मक्का के लिए निकलेंगे। तो हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट के लिए, तो बस अभी कुछ देर में हम लोग पहुँचते हैं, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ से मक्का के लिए निकलेंगे, और उससे पहले हम लोग अपने होटल जाएंगे। तो ये हमारा होटल है, और अब हम लोग अंदर जाके जो हमारी बुकिंग वगैरह है वो हम सब कुछ देखेंगे, और रूम में अपना सामान वगैरह रख के फिर हम लोग इंशाल्लाह उमरे के लिए निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग मस्जिदुल हरम के अंदर खड़े हैं, और कुछ ही टाइम में काबा हमारी आंखों के सामने होगा। मैं इस टाइम सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं उनके घर खड़ी हूँ, वरना हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला के घर जाए, पर जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज उनके घर खड़ी हूँ। और मेरी हर मुसलमान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी इस चीज़ का मौका दे, आप सब भी अल्लाह ताला के घर आएँ। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे इस ख्वाब को पूरा किया है, और वो भी तब जब हमारे निकाह की एनिवर्सरी है, और निकाह की एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पे उन्होंने ये उमरा प्लान किया है। तो नो डाउट कि जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बट अल्लाह ताला ही वसीले बनाता है, और इस टाइम पे मेरे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे शोर को मेरा वसीला बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम पे बहुत खुश थी। अल्लाह ताला हर किसी को हर बुरी और गंदी नज़र से बचा के रखे, और हमें भी हर बुरी और गंदी नज़र से महफूज रखे। बाकी इंशाल्लाह अभी हम लोग कुछ टाइम में काबा के सामने खड़े होंगे, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर काबे का भी नज़ारा कराऊँगी। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या
कहलाया तेरा ही मैं एक साया, तूने मुझको बनाया मैं तो जग को ना भाया। जब तवाफ कर रहे होते हैं मुकाम इब्राहिम पे, वो लम्हे याद आते हैं जब अल्लाह का खलील अल्लाह के घर की तामीर कर रहा है। मुझे बताइए, इस्लाम ने तो पत्थरों से दूर नहीं किया, लेकिन हजरे अस्वद भी पत्थर, मुकाम इब्राहिम भी पत्थर, इन पत्थरों से नेड़े किया जा रहा है। ये राज हजरत उमर ने खोला। हजरे अस्वद को चूमने लगे तो रुक गए, कहा ए हजरे अस्वद मैं तुझे कभी ना चूमता। समाया तेरे पीछे चलाया तेरा ही मैं एक साया, मुझको बनाया मैं तो जग को देखा, सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा।